अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब, जिनकी स्पीचेस और उनकी बातें और उनसे हम लोग सब जो है वो बहुत इम्प्रेस होते रहे हैं उनके टेन्योर में। तो सर, आफ्टर दैट पीएमशिप आपका टाइम कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ गुजर रहा है, सुकून से गुजर रहा है, बेहतर गुजर रहा है। और पार्लियामेंट्री ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसका इंतज़ार है कि सेनेट के सेशंस होंगे तो एक्टिविटी उस पर होगी पार्लियामेंट के फ्लोर पे। सो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस टाइम एंड नॉट बी गिविंग योर, मतलब आप अपनी जो राय है वो किस तरह से आप पेश करेंगे, बिकॉज आप एक बहुत अहम ओहदे पे रहे हैं और आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि बाकी तमाम जो हैं पार्लियामेंटेरियंस के पास नहीं है। सो आपका नज़रिया कैसे है, अब बदला है, नहीं बदला है, या फिर अब की कार्रवाई को कैसे देखेंगे? देखिए जी, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं सेनेट की, वो उसका रोल जो है ना एग्जीक्यूटिव पे मॉनिटरिंग का है, पार्लियामेंट के ओवरसाइट का रोल है उनका, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें आप इस्लाह के लिए क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, इनपुट्स दे सकते हैं। सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता बल्कि सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गवर्नेंस का। मैं कोशिश करूँगा कि कमिटीज़ में आई विल ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट, और उसमें मेरे ख्याल में बड़ा एक इंगेजिंग और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया जा सकता है। जब आप हुकूमत में थे तब और अब भी पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक के साथ हालात, और वैसे आपको आपने देखा होगा ग्लोबली इस टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है सारा। सो हाउ डू यू सी दिस थिंग कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं? देखें, चाहे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, एट टाइम्स आपकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, एज एन इंडिविजुअल भी होती हैं और एज ए नेशन भी होती हैं। कुछ चीज़ें बियॉन्ड दोज लिमिटेशंस होती हैं। जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि जो बियॉन्ड लिमिटेशंस आपके हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चैलेंजेस को आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी आपने क्राफ्ट करनी है, और जो आपके लिमिट्स में है उसके लिए प्लान कैसे करना है। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में हमेशा हवादिस का शिकार रहती है, हालात बदलते रहते हैं। सर, व्हेन यू वर प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत बड़ी जो है पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई और उस पर अमल भी शुरू किया कि अफगान जो हैं उनको डिपोर्ट करना शुरू किया, और आप जो है उस पर काफ़ी वोकल थे बिकॉज यू वर प्राइम मिनिस्टर। नाउ यू आर नॉट इन द गवर्नमेंट, बट यू वांट टू से कि वो डिसीजन सही था, नहीं था, अब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन और आगे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, व्हाट यू वांट टू टेल ऑन दैट? देखें, जितनी नेशन स्टेट्स हैं उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़, वहाँ पे एंट्री कैसे होगी, वहाँ से एग्ज़िट कैसे होगी, ये मॉडर्न नेशन स्टेट्स ने इवॉल्व होकर इन प्रिंसिपल्स को सेटल कर लिया। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो उस जर्नी में, उस सफ़र में, उस आइडियल की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज।